नमस्कार बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं आईएरोडो काइनामेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 54 का सॉल्यूशन। 54 में क्या बोला है बेटा कि एक सिलेंडर जो है रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग ओवर ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो ये फिगर दिया हुआ है। फिगर जो है पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बट पिछले क्वेश्चन का सिचुएशन कुछ और था, इस क्वेश्चन का सिचुएशन कुछ और है। पिछले क्वेश्चन में ये सिचुएशन दिया गया था इंक्लाइन प्लेन को इस तरह का से दिखा के, है ना। तो वो तो आप 53 का सॉल्यूशन आप जाकर देख सकते हैं ना। तो इसमें पिछले क्वेश्चन से अब कोई लेना देना नहीं है, बस ये डायग्राम आ गया, बस और कुछ भी नहीं है, है ना। मतलब पिछले क्वेश्चन में तो इसकी भी वैल्यू दी हुई थी, आर की भी वैल्यू दी हुई थी, तो उससे अब कोई लेना देना नहीं है। पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ दिया गया तब ये रोल कर रहा है, अगर इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो ये आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें पिछला क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, बस डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। तो बोला एक सिलेंडर जो है रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग का फिर से मतलब क्या होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होना चाहिए, ज़ीरो। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो होना चाहिए, मतलब नीचे वाले का जितना स्पीड होगा उतना ही ऊपर वाले का स्पीड होना चाहिए। तो नीचे वाला तो ग्राउंड है, तो इसका स्पीड अगर ज़ीरो है तो ऊपर वाले का भी स्पीड ज़ीरो होना चाहिए। मतलब ये कांटेक्ट पॉइंट पे इसका स्पीड क्या होना चाहिए, ज़ीरो। और आप जानते हो कि अगर ये सिलेंडर है, अगर ये रोल कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है ना, और इसके पास मान लो एक्सेलरेशन है कुछ, इसको ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन ही बोलेंगे और लीनियर एक्सेलरेशन ये है ना, ट्रांसलेशन के कारण जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि उसके कारण तो स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ेगा यार, है ना। तो किसी इंस्टेंट पे, किसी टाइम टी पे मान लेते हैं कि इसका स्पीड कितना होगा, बढ़ के भी, ठीक है। और ऑब्वियसली ये प्योर रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है, तो इस वी को कैंसिल आउट करने वाला कोई होना चाहिए। तो वी कैंसिल आउट कैसे होगा, तो इसको रोल भी करना पड़ेगा इस तरीके से, ताकि रोलिंग के कारण क्या होगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलेगा। रोलिंग के कारण आपको पता है कि कितना होगा, ओमेगा इंटू आर, इसका रेडियस क्योंकि आर दे दिया, ठीक है। तो आर ओमेगा होगा किसी इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट पे अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो हर एक पॉइंट पे ये टेंजेंशियल स्पीड मिलेगा, है ना। घूमने के कारण हर एक पॉइंट पे कितना होगा, ओमेगा आर। इस पॉइंट पे कितना होगा, नीचे की तरफ ओमेगा आर। इस पॉइंट पे किधर होगा, इधर की तरफ ओमेगा आर। इस पे ऊपर की तरफ होगा, और भी कहीं पे निकाल सकते हैं, यहाँ पे ओमेगा और ये वाला जो भी रेडियस होगा आर डैश मान लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए फिलहाल तो हमको क्या करना था, प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन आपको पता चल गया यहाँ से, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, आर ओमेगा हो जाएगा। अच्छा, अब आप ये देखिए कि रियलिटी में वी इज ऑल्सो चेंजिंग, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। तो वी अगर चेंज कर रहा है तो ओमेगा को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वी इंक्रीज कर रहा है, वी इंक्रीज कर रहा है तो ओमेगा भी इंक्रीज करना चाहिए। ओमेगा इंक्रीज कैसे करेगा, अल्फा के कारण, तो अल्फा भी इसके डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, अगर अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग, ये एक साथ दोनों चीज़ होता है, हो रहा है, एक तो ट्रांसलेशन भी हो रहा है और एक रोटेशन भी हो रहा है। अगर हम इसको अलग अलग करके देखें तो अलग अलग करके ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, अलग अलग करके कुछ ऐसा दिखेगा। एक तो तुम सिर्फ ट्रांसलेशन का दिखा दो और एक सिर्फ रोटेशन का दिखा दो। सिर्फ ट्रांसलेशन के कारण हर एक पॉइंट का स्पीड, किसी इंस्टेंट पे अगर वी है, सेंटर का स्पीड अगर वी है, तो हर एक पॉइंट का स्पीड कितना होगा, वी ही होगा। हर एक पॉइंट का स्पीड कितना होगा, वी होगा। ये किसके कारण होगा, ट्रांसलेशन के कारण। कोई भी पॉइंट ले लो, डायरेक्शन भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा, वी होगा, ट्रांसलेशन के कारण ये हुआ। प्लस प्योर रोटेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो प्योर रोटेशन के कारण कितना होगा, प्योर रोटेशन के कारण अगर ये ओमेगा से घूम रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो इसका स्पीड कितना आ जाएगा, टेंजेंशियल ओमेगा आर। इसका कितना आ जाएगा, ओमेगा आर। इसका कितना आ जाएगा, इस तरीके से ओमेगा आर। इसका कितना आ जाएगा, ऊपर की तरफ ओमेगा आर। और भी किसी पॉइंट का निकाल सकते हो, इसका इस तरीके से टेंजेंशियल, है ना, मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लो और ये इस तरीके से ओमेगा और ये वाला जो भी डिस्टेंस होगा आर डेस। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अगर नेट निकालना है तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, मतलब दिस प्लस दिस, तो ये हो जाएगा पॉइंट ए का नेट। अगर यहाँ का जोड़ना है तो, मतलब यहाँ पे मैं नेट निकाल लेता हूँ, यहीं पे कर लेता हूँ। अब आप जानते हो वी इक्वल टू आर ओमेगा, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेट यहाँ पे मैं निकाल रहा है, तो यहीं पे मैं लिख लेता हूँ कि ए का जो नेट स्पीड होगा वी प्लस, वी की वैल्यू ओमेगा आर है, तो ये हो जाएगा टू ओमेगा आर, नेट स्पीड हो गया ए का। अच्छा, इसका कितना हो जाएगा, तो ये ओमेगा आर नीचे और एक ये वाला है, तो ये वाला इधर चला गया ओमेगा आर,
तो इसका नेट कितना हो जाएगा, नेट कहीं ना कहीं इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, और ये कितना हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, इसका मैग्नीट्यूड जितना है इसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही है, तो ओमेगा आर, ओमेगा आर तो क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट करके ऐड करोगे तो रूट टू ओमेगा आर आएगा, ठीक है, तो ये इधर की तरफ आएगा, इवन आप डायरेक्शन ही बता सकते हो क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा 45, ये भी एंगल कितना आएगा 45, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये एंगल भी कितना आएगा 45, तो आप बता सकते हो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से कितना है 45 डिग्री के एंगल पे, यहाँ पे मुझे सिर्फ यही दो पॉइंट से मतलब है अभी के लिए, ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा, हम लोग एक्सेलरेशन की भी बात कर सकते हैं। एक्सेलरेशन की अगर बात करेंगे हम लोग, तो एक तो ट्रांसलेशन के कारण इसका एक्सेलरेशन कितना है W, यहाँ पे मैं A से दिखा रहा हूँ, है ना, यहाँ W है लेकिन मैं दिखा रहा हूँ A से, तो हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना आएगा A A A, हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना आएगा A A A, ठीक है, प्लस घूमने के कारण सेंटर ऑफ मास पे अगर बैठ जाओ तो घूम रहा होगा, प्योर रोलिंग कर रहा होगा, प्योर रोटेशन कर रहा होगा, है ना, प्योर रोलिंग नहीं, प्योर रोटेशन कर रहा होगा सेंटर ऑफ मास पे अगर बैठोगे, तो सेंटर ऑफ मास पे बैठोगे तो प्योर रोटेशन कर रहा होगा, तो इसके पास एक तो टेंजेंशियल आ जाएगा, टेंजेंशियल क्यों आया, क्योंकि अल्फा आया, अल्फा क्यों आया, क्योंकि प्योर रोलिंग करना है, अदरवाइज प्योर रोलिंग नहीं हो पाएगा क्योंकि ओमेगा फिर बढ़ नहीं पाएगा, तो ए टी आ जाएगा, ए टी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, तो आर अल्फा की इक्वल हो जाएगा, है ना, तो एक तो हर एक पॉइंट पे ए टी आ जाएगा, ए टी, और ये ए टी किसके इक्वल होगा, आर अल्फा की इक्वल, है ना, हर एक पॉइंट पे आएगा, इसमें भी आएगा इधर की तरफ, ए टी किसके इक्वल हो जाएगा, आर अल्फा की इक्वल, ठीक है, हर एक पॉइंट पे आएगा। दूसरा क्या आएगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये तो होता ही, ये तो ऑलवेज होता है ना, तो एक तो हो जाएगा एन, एन क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर की इक्वल, एन क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर की इक्वल, क्योंकि ओमेगा दे दिया इस इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे कितना दे दिया ओमेगा, या वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हो क्योंकि वी भी दिया हुआ है, तो कैसे भी लिख लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे किधर होगा, ऊपर की तरफ, ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये पता होना चाहिए। तो अगर किसी इंस्टेंट पे नेट एक्सेलरेशन आपसे पूछा जाए तो कितना लिखोगा, तो देखो जैसे इस इंस्टेंट पे पॉइंट ए का नेट एक्सेलरेशन अगर पूछा जाए तो इसके पास तीन हो जाएगा, दो तो पहले से था और एक ये आ गया, अब ए की वैल्यू किसके इक्वल है, तो सोचो ए की वैल्यू यहाँ से निकलेगा, ये ए नेट यहाँ का अगर नेट एक्सेलरेशन पूछा जाए तो ये ए राइट साइड है और ए टी लेफ्ट साइड है, तो ये ए और आर अल्फा दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए प्योर रोलिंग के लिए, क्यों, क्योंकि अगर ए बड़ा हो गया तो भी तेजी से बढ़ेगा, भी तेजी से बढ़ेगा तो ओमेगा धीरे धीरे बढ़ेगा तो फिर स्लिपिंग हो जाएगी, वी जितना तेजी से बढ़ेगा ओमेगा भी उतना ही तेजी से बढ़ना चाहिए, तभी वी इक्वल टू आर ओमेगा ऑलवेज होगा, तो ऐसा तभी होगा जब ए एंड ए टी दोनों ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा, तो एक तो कंडीशन यह है कि ए इक्वल टू क्या होगा, आर अल्फा, ए क्या था ट्रांसलेशन के कारण जो एक्सेलरेशन था, और ए टी क्या था रोटेशन के कारण जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था, ठीक है, तो एक तो ये गया कि हाँ ए और आर अल्फा दोनों ऑलवेज सेम होगा, तो आप यहाँ पे देखो बता सकते हो पॉइंट ए का नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक तो ए हो गया प्लस ये, तो नेट एक्सेलरेशन यहाँ पे मैं दो कर देता हूँ, टू आर अल्फा राइट साइड हो गया और एक ये नीचे की तरफ हो गया, तो ये नेट एक्सेलरेशन हो गया, नेट एक्सेलरेशन, और नेट वेलोसिटी सिर्फ ये है, ठीक है, तो एक तो ये पता चल गया। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रेडियस, कर्वेचर रेडियाई निकालना है ट्रेस्ड आउट बाई पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सिंपली ये कोई ना कोई पाथ फॉलो करेगा, है ना, इसके पहले वाले सवाल में हम लोगों ने किया था जब डिस्टेंस निकाला था, है ना, शायद 52 या 53 होगा, है ना, वहाँ पे हमने पाथ दिखाया था कि पाथ कैसा होता है, ऐसा होता है साइक्लॉयड टाइप का होता है ना, ये इस तरीके से पाथ होता है, ठीक है, पाथ ये इस तरीके से होता है, ऐसे रिपीट करता जाएगा, साइक्लॉयड टाइप का होगा इसका पाथ, ठीक है, तो ये जिस पाथ में ट्रैवल कर रहा है, ये जिस पाथ में, ये इस पाथ में ट्रैवल नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये किसी और पाथ में ट्रैवल कर रहा है, तो इससे आप एक सर्कल बनाओगे, उसका सेंटर कहीं ना कहीं पर होगा, तो वो वाला आर पूछा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब वो वाला आर, उसको हम लोग कैपिटल आर से दिखा रहे हैं, और वो आर ऑब्वियसली इससे अलग होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये पार्टिकल इस सर्कल में घूमता, इस सर्कल में ऐसे घूमता ज्यों का त्यों, तब आर होता, बट ये तो किसी और पाथ पे घूम रहा है, ठीक है, तो ये आपको समझना है, तो आपको यही आर की वैल्यू निकालना है, तो ये आर की वैल्यू तो आप ऑलरेडी जानते हो कि आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर अपॉन ए एन,
इसका मतलब कोई भी अगर कर्व पाथ दिया हुआ है तो अगर इसका स्पीड वी पता है, वी क्या होगा, हमेशा टेंजेंट के लॉन्ग होगा, पाथ के टेंजेंट के लॉन्ग होगा, तो एक्सेलेरेशन भी कहीं ना कहीं होगा, नेट एक्सेलेरेशन कहीं ना कहीं होगा। तो नेट एक्सेलेरेशन का जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा, नॉर्मल का मतलब वेलोसिटी के जो परपेंडिकुलर होगा, नेट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखना। तो ए एन इक्वल टू, ये कोई ना कोई सर्कल में घूम रहा होगा, है ना, हर एक इंस्टेंट पे कोई ना कोई एक अलग अलग सर्कल में घूमेगा ये, हर एक इंस्टेंट पे, अगर ये ट्रेजेक्ट्री है इसका तो हर एक इंस्टेंट पे कोई ना कोई सर्कल फॉलो करेगा। तो अगर सर्कल फॉलो करेगा तो ये जो सेंट्रिपेटल एक्सेलेरेशन होगा, ए ए सी इक्वल टू, आप जानते हो क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर, या ए एन इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये आर क्या होता है, यही रेडियस होता है, यही जो ट्रेजेक्ट्री है ना, ये जो ट्रेजेक्ट्री है इस इंस्टेंट पे, ये जो ट्रेजेक्ट्री है, ये जो फॉलो कर रहा है, ये जो सर्कल बनाएगा उसका सेंटर है, इसका जो डिस्टेंस है, यही इसी को हम क्या बोलते हैं, कर्वेचर रेडियस। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो अब सिंपल क्या करना है, डिवीजन करना है और कुछ नहीं है, मतलब वी निकाल लो, नेट वी निकाल लो, नेट वी निकालने के बाद एक्सेलेरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लो और डिवाइड कर दो बस। तो देखो नेट वी तो निकाल लिया आपने, ए पॉइंट का टू ओमेगा आर, उसका स्क्वायर करना है, टू ओमेगा आर का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ए निकाल रहे हैं, तो वी स्क्वायर होता है तो फोर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, एक्सेलेरेशन निकालना है कौन सा, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, नेट ये है इसके परपेंडिकुलर। तो देखो एक तो इसके पैरेलल हो गया, पैरेलल वाला नहीं लेना, टेंजेंशियल नहीं, इसके पैरेलल भी होगा, एटी होगा, लेकिन मुझे कौन सा लेना है, ये वाला परपेंडिकुलर वाला। अगर नेट देखा जाए तो इसका एक्सेलेरेशन कहीं ना कहीं इधर होगा, उसका ये वाला कंपोनेंट लेना है। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया, परपेंडिकुलर में सिर्फ यही है, ओमेगा स्क्वायर आर है, यहाँ सिंपली डिवाइड कर दो ओमेगा स्क्वायर आर से, एन से डिवाइड करना है ना, इसको स्क्वायर वगैरह नहीं करना। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये गया, तो इसका आंसर सिंपली क्या आ गया, फोर आर। तो ए का आंसर कितना आ गया, फोर आर। अब बी पे आ जाओ बेटा, बी पे भी पहले नेट वेलोसिटी निकालना है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट बी निकालना है, तो नेट वेलोसिटी तो निकाल ही चुके हो आप, कितना है नेट वेलोसिटी इसमें, ये वाला नेट वेलोसिटी, ये ध्यान रखना दोनों का रिजल्टेंट। तो ये इसका रूट टू ओमेगा आर का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा, टू ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन ए एन, ए एन अब कौन सा होगा यार, अब ए एन दिखाना है, नेट नेट एक्सेलेरेशन। तो देखो यहाँ पे फिर से तीन एक्सेलेरेशन आ गया इसका, एक तो ए इधर हो गया और ये ए की वैल्यू क्या है, आर अल्फा, ठीक है। अब ए एन कौन सा लोगे सोचो, तो नेट वेलोसिटी इधर है तो इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर मतलब इधर वाला लेना है कंपोनेंट, ए एन ये वाला लेंगे, ठीक है, ए एन ये वाला लेंगे। अब इसी में मैं दिखा रहा हूँ, इधर कितना है, एक तो ए टी है जो कि आर अल्फा है, एक इधर ए टी है जो कि आर अल्फा है, और एक इधर क्या है बेटा, ए सी है, ओमेगा स्क्वायर आर है, यही तीन एक्सेलेरेशन है। अब तो देख सबका कंपोनेंट रिजॉल्व कर ले, एक तो इसके अलॉन्ग रिजॉल्व कर ले और एक इसके अलॉन्ग रिजॉल्व कर ले। तो यहाँ पे अगर इसको रिजॉल्व करोगे तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, ओमेगा आर कॉस 45, ठीक है, क्योंकि ये एंगल 45 हो जाएगा, एक इसका भी ओमेगा आर कॉस 45 हो गया और इसी का कंपोनेंट है ना, मतलब किसका निकाल रहे हैं हम लोग, ये वाला जो कंपोनेंट, और एक इधर आ जाएगा इधर की तरफ, तो ये तो टेंजेंशियल हो जाएगा, टेंजेंशियल से तो हमको कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ दो, हमको नॉर्मल से मतलब है, ये वाला, तो ये वाला कंपोनेंट निकाल लिया मैंने, ये वाला छोड़ दो, उसी तरीके से इसका निकाल लो, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक इधर आएगा, इसका वाला, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना आएगा, ये भी एंगल 45 है तो ये भी कितना आ जाएगा, ओमेगा आर, सॉरी ओमेगा आर नहीं है, आर अल्फा है ना, ये कितना है, आर अल्फा है, ठीक है, आर अल्फा है ना, तो आर अल्फा कितना आएगा बेटा, आर अल्फा कॉस 45 ये भी, ठीक है। तो रियलिटी में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, देख लो इसका कंपोनेंट इधर की तरफ और इसका कंपोनेंट इधर की तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा नॉर्मल वाला, और टेंजेंशियल वाला तो लेना ही नहीं मुझे। तो अब बचा सिर्फ बेचारा ये, अब इसका कंपोनेंट इधर की तरफ कितना होगा, तो ऑब्वियसली ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 45 और इधर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर साइन 45, तो ये वाला तो लेना ही नहीं, ये टेंजेंशियल हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ कौन सा लेना है, एन की जगह पे ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 45, कॉस 45 की जगह पे कितना आ जाएगा, रूट 2। तो ये हो गया एन की वैल्यू, अब इसे डिवाइड कर दो सिंपल, तो ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइड बाय रूट 2 है, तो रूट 2 ऊपर ले आया, स्मॉल आर होगा, ये कैंसिल आउट हो गया और ये आर स्क्वायर हो गया, है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर होगा, वी स्क्वायर है ना, एक आर से एक आर गया तो ये कितना आ जाएगा फाइनली, 2√2r। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आ गया एट पॉइंट वी कितना आ गया, 2√2r।
आई होप कि पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। सपोज करो यहाँ पे अगर पॉइंट सी का रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ देता तो आप क्या लिखते हैं? तो रियलिटी में आप देखो कि ये अगर रोलिंग कर रहा है तो ये स्ट्रेट सीधा जाता जा रहा है, तो इसका अगर ट्रेजेक्ट्री अगर ड्रॉ करोगे तो इस तरह की होगा। तो यहाँ पे आप देखो कि एक तो इसका एक्सेलेरेशन सिर्फ इसका नेट एक्सेलेरेशन इधर की तरफ है सिर्फ, तो ये नॉर्मल जीरो है। या आप ऐसे भी सोचो कि ये इस तरीके से प्लेन होगा, प्लेन होगा तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री अगर आप निकालोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, मतलब रियलिटी में हमको कैसे निकालना है? पाथ ड्रॉ करके ये वाला पार्ट ड्रॉ किया और इससे सर्किल बनाओ, तो सर्किल इससे क्या बनाओगे? स्ट्रेट लाइन से जो सर्किल बनता है वो इनफाइनाइट रेडियस का बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जैसे यहाँ का पूछता तो यहाँ का तो नेट स्पीड ही जीरो हो गया है ना, तो यहाँ का रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, क्योंकि नेट स्पीड ही जीरो। तुम वी स्क्वायर बाई एन करोगे, एन तो है लेकिन नेट स्पीड ही जीरो हो गया, तो इसका रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ऑलवेज क्या रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये था क्वेश्चन नंबर 54 का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग 55 के साथ।